हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे करशन भाई पटेल के बारे में। करशन भाई पटेल का नाम आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाया उनका यूज आप हमेशा ही करते हैं। उन्हीं में से एक प्रोडक्ट है निरमा डिटर्जेंट पाउडर। वैसे तो मार्केट में बहुत से डिटर्जेंट पाउडर है और कई तो मल्टीनेशनल प्रोडक्ट भी है, लेकिन निरमा की सेल्स इन प्रोडक्ट की टोटल सेल से भी ज्यादा है। इससे इस बात का तो पता चलता है कि निरमा के फाउंडर करशन भाई पटेल ने बहुत ही ज्यादा मेहनत से इसे बनाया होगा। और उनकी जिंदगी हमें ये भी बताती है कि अगर इंसान मेहनत करे और अपनी आइडिया को प्रैक्टिस में लाए तो सक्सेस पाना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। करशन भाई का जन्म गुजरात के किसान परिवार में हुआ था। करशन भाई ने अपनी BSc की पढ़ाई 21 वर्ष की आयु में खत्म करी। फिर 1966 में वह अहमदाबाद की फैक्ट्री में केमिस्ट के तौर पर काम करने लगे। उन्हें वहां पे 150 रुपए प्रति माह मिलता। इन पैसों से उनका घर बड़ी मुश्किल से चलता था, इसलिए खाली टाइम में वह घर पे डिटर्जेंट पाउडर बनाते और साइकिल पे वह दूसरों के घर घर बेचने जाया करते। और बहुत ही जल्द उन्होंने इस बिजनेस को बड़ा करने का सोचा और फिर वे पैकेट में पाउडर को सेल करने लगे। उन्होंने घर के पीछे ही एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई और अहमदाबाद की कई दुकानों में वे सप्लाई करने लगे। और उन्होंने अपने प्रोडक्ट का नाम अपनी बेटी के नाम पर रखा, निरमा। और निरमा बहुत ही जल्द छोटे गांव से बड़े शहरों में भी पॉपुलर होने लगा और निरमा भारत के कई हिस्सों में पॉपुलर हो गया। करशन भाई का यह बिजनेस भारत में बहुत ही जल्द फैल गया। करशन भाई का सक्सेस सीक्रेट ये है कि उन्होंने क्वालिटी प्रोडक्ट को एवरेज कस्टमर तक बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस में पहुंचाया। कस्टमर को भी ये रियलाइज हुआ कि कपड़े को साबुन से धोने की बजाय सस्ते और अच्छे डिटर्जेंट में धोना सही है। जिस वक्त मल्टीनेशनल कंपनी 13 रुपए प्रति केजी सर्फ बेच रही थी, उसी वक्त निरमा सिर्फ 3 रुपए प्रति केजी सर्फ बेचती। इस आइडिया की वजह से मल्टीनेशनल कंपनी हिंदुस्तान लीवर को अपने प्रोडक्ट और उसकी पॉलिसीज के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत पड़ी। डिटर्जेंट के बाद निरमा प्रीमियम सेक्टर में भी एंटर हुई, जैसे कि निरमा टॉयलेट शॉप, ब्यूटी शॉप और प्रीमियम डिटर्जेंट जैसे सुपर निरमा डिटर्जेंट। उसके अलावा वे शैम्पू, टूथपेस्ट और भी कई चीजों में वे आगे बढ़े, लेकिन शैम्पू और टूथपेस्ट में निरमा को सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन नमक में उनका ब्रांड शुद्ध सफल रहा। सोप में निरमा का मार्केट शेयर 20% है और डिटर्जेंट में 35%। निरमा का व्यापार हमारे पड़ोसी देशों में भी किया जाता है। 1995 में करशन भाई पटेल ने अहमदाबाद में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की शुरुआत करी और आज उसका नाम गुजरात के टॉप इंजीनियर कॉलेज में है। और 2003 में निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की शुरुआत करी और 2004 में निरमा लैब की। बिजनेस में सफलता के साथ साथ उन्हें ढेर सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जैसे 1990 में उन्हें उद्योग रत्न से सम्मानित किया गया था, 2001 में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी गई, उसके बाद 2010 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है और 2009 में वह अमीरों की सूची में 92 नंबर पे थे और 2017 में वह अमीरों की सूची में 38वें नंबर पर आ गए और आज उनकी नेटवर्थ $4.1 बिलियन है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कैसे करशन भाई पटेल ने एक फैक्ट्री में काम करके खुद का बिजनेस खड़ा किया और वे अपनी सफलता का श्रेय सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत को देते हैं। और आने वाली सदी के सभी बच्चों को वो यही कहते हैं कि मेहनत करने पे सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।